राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है। यह एक अभियान है जिसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना और लोगों को मृत्यु के बाद दान के लिए अपनी आंखें प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित करना है। भारत में लगभग 68 लाख लोग कम से कम एक आँख में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। इनमें से 10 लाख लोग दोनों आँखों के अंधे हैं। आपके प्रयास से दूसरों की अंधेरी दुनिया में भी आ सकती है रोशनी। आपकी यह छोटी सी पहल दूसरों के जीवन को भी रोशनी से भर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। नेत्रदान करके हम कई चेहरों को खिलने का मौका दे सकते हैं। तो आइए इस खास मौके पर मिलते हैं वाशी के सुप्रसिद्ध सरोज आई हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े से हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और जैसे आपने पूछा कि आँखों में ऐसी कौन सी समस्या है, तो सबसे कॉमन अपने देश में है कि इन्फेक्शन होना। आँख को कोई इंजुरी होती है उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे लोग खेती में काम करते हैं जिसके वजह से पेड़ पत्ते लग के या फिर कोई काटा चूक के इन्फेक्शन होने से आँख का जो बाहर का जो एरिया है इसको कॉर्निया कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में पुतली बोलते हैं, वो सफ़ेद हो जाती है इन्फेक्शन से और उसके बाद दिखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस से इन्फेक्शन होते हैं। हमारे देश में यंगस्टर्स जो है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, या फिर स्विमिंग पूल में भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग करते हैं तो उनमें भी ये सारे इन्फेक्शन पाए जाते हैं। और लास्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी हमने देखा है कि छोटे मोटे इंजुरीज आँख में होने से उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा बचपन में आने वाली ऐसी समस्या है जिससे आपकी पुतली वाइट हो जाती है, पॉजिटिव ओपेसिटी बोलते हैं, इससे भी दिखना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हमारे देश में या फिर कई सब जगह ये आँख का जो इन्फेक्शन या इंजरीज से आँख खराब हो सकती है, जिसके लिए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। सर, हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में आई डोनेशन से लेकर का बहुत कम अवेयरनेस है लोगों में, उसकी जानकारी नहीं है। क्या एक कानूनी प्रक्रिया होती है एक आँखें डोनेट करने से लेकर तो एक ट्रांसप्लांट का क्या एक कानूनी प्रक्रिया होती है? जी, ऐसा है कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आई डोनेशन मौत के बाद ही पॉसिबल है। जैसे किडनी में हम जिंदा आदमी से किडनी निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन आई डोनेशन आफ्टर डेथ, इसके बिफोर डेथ अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आई डोनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट के रिलेटिव्स का जो कंसेंट है वो होना चाहिए। अगर पेशेंट के रिलेटिव का कंसेंट नहीं है तो पेशेंट ने भी इच्छा अगर व्यक्त की है जाने से पहले कि हम मुझे आई डोनेशन करना है, और उसने कोई कार्ड भी भरा होगा, कोई रजिस्ट्रेशन भी किया होगा, लेकिन अगर रिलेटिव्स कंसेंट नहीं देते ऑन द स्पॉट तो आई डोनेशन पॉसिबल नहीं है। ये दो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा ऐसा कोई खास ऐसा रूल नहीं है, बट कुछ राज्यों के रूल्स होते हैं कि जो आई डोनेशन होते हैं वो उसी राज्यों में यूज़ होना चाहिए। इंटरस्टेट ट्रांसफर, जैसे हमारे महाराष्ट्र राज्य में ये है कि इसी राज्य में ये आई डोनेशन यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अपने देश राज्यों में इतने लोग हैं जिसको अभी जो वेटिंग लिस्ट पे है तो उनका पहले ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। इस हिसाब से शायद राज्य ने ये रूल बनाए होंगे, बट काफ़ी अलग राज्य जिसमें से एक राज्य से दूसरे राज्य में भी देख सकते हैं। तो ये बेसिक रूल्स है और ये अगर हम फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आई डोनेशन। सर, अगर हम आई बैंक की बात करें तो आई बैंक से आँखें प्रिजर्व होने के बाद क्या एक समय सीमा होती है कि ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए आफ्टर प्रिजर्वेशन? कितना एक समय सीमा होती है? दो टाइप्स के समय सीमा है। एक तो मौत के बाद कितने घंटे में आँख पेशेंट से लेनी चाहिए, उसकी समय सीमा 6 घंटे है। 6 घंटे के अंदर आई कलेक्शन होना चाहिए। इसके लिए पेशेंट के घर में हम बताते हैं कि आप उसको एसी में रखिए तो थोड़ा प्रिजर्वेशन बेटर होता है। सर के नीचे दो तकिया रखें तो ज़्यादा ब्लीडिंग और ये सब नहीं होता ऑपरेशन के टाइम में, आँख निकालने के टाइम में। और तीसरा चीज़ है कि थोड़ा सा आँख बंद करके उसके ऊपर गीला ऐसा कॉटन रख के या गीला कपड़ा रख के उसके उससे मॉइस्ट रखे, या आई ड्रॉप्स भी मिलते हैं मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप, वो भी डाल के रख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, 6 घंटे के अंदर इनका कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद
दो टाइप्स के कॉमन मीडिया है जो हमारे यहाँ मिलते हैं, एक एमके मीडिया है और एक कॉर्निसॉल है। एमके मीडिया में अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो 4 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट होना चाहिए, और अगर कॉर्निसॉल में प्रिजर्व करते हैं तो 12 से 14 दिन तक हम उसको रख सकते हैं। और तब तक हमें किसी वेटिंग लिस्ट वाले पेशेंट को कॉन्टैक्ट करना होता है और उसके बाद उसका ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान हो जाता है। सर, कौन कौन नेत्रदान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता है ऐसा मैंने क्या वजह हो सकती है, क्या कौन सी गंभीर बीमारी थी जिस चीज़ में नेत्रदान नहीं किया जा सकता? जी, नेत्रदान सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बट जनरली हम 2 साल से 75 से 75 साल की जो रेंज है उसकी हम कॉर्निया प्रेफर करते हैं, जिससे ट्रांसप्लांट करके विजन अच्छा आ सकता है। इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि जो सबसे 2 साल से कम वाले कॉर्निया थे वो थोड़े से फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, और जो बड़े 75 के एज की बात ही कॉर्निया में थोड़े ओल्ड एज की वजह से अंदर का उनका सेल काउंट कम हो जाता है, तो थोड़ा सा क्वालिटी डिटेरियरेट हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हमें 80 ईयर्स के भी कॉर्निया देखे जो हेल्दी है, अच्छे हैं, तो कोई भी कॉर्निया वेस्ट नहीं जाएगा, सभी कॉर्निया हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं या प्रैक्टिस सर्जरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बट कुछ ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ऐसा कुछ है नहीं कि कॉर्निया वेस्ट होता है, इट विल ऑलवेज बेनिफिट आइदर द डॉक्टर द पेशेंट, किसी ना किसी काम जरूर आएगा। दूसरा ये है कि स्पेसिफिक कुछ बीमारियाँ हैं जिसके हम कॉर्निया नहीं लेते, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे HIV/AIDS है, रेबीज है, और सेप्टिसी में मतलब बॉडी में इन्फेक्शन फैला है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ऐसे कॉर्निया थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं, उसमें कॉर्निया में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ हो सकता है, तो इसके लिए हम प्रेफर नहीं करते। और आज की स्थिति में कोविड कॉर्निया भी हम नहीं लेते, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स ये कहा गया है कि कोविड वाले पेशेंट से कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉर्निया में स्प्रेड होके वो पेशेंट में स्प्रेड हो सकता है। तो ये बेसिक है, और इतना बाकी सब ये छोड़ के सारे कॉर्नियाज हम डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। नेत्रदान की बात करें तो हमारे देश में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी मिथ्स है, काफ़ी धर्मों में अलग अलग मिथ है आई डोनेशन को या अवयव दान को लेकर, कि अगर हम इस जन्म में अगर आप या कोई अवयव दान करते हैं तो अगले जन्म में हमें वो नहीं मिलेगा, या फिर हम अंग कोई भी देते हैं तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसी भ्रांतियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अपने देश में काफ़ी सारे टाइप की जातियाँ है, धर्म है, और अनेक अंधविश्वास है, लेकिन उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पुनर्जन्म तो हमने किसी ने देखा नहीं है, तो इसके ऊपर विश्वास करके कोई मतलब नहीं है। आप सबने नेत्रदान ज़रूर करना चाहिए, और क्योंकि आपकी आंखों से कोई दूसरा आदमी देख पाए इससे अच्छा सुख और क्या है, यही उनका एक पुनर्जन्म मैं कहूँगा कि यही उनके लिए पुनर्जन्म के साथ से मिलता जुलता ये एक अनुभव होगा, इसलिए नेत्रदान जरूर करें और ये सारे अंधविश्वास से दूर रहें। दूसरा एक लोगों के बीच में अंधविश्वास है कि जब नेत्रदान करते हैं तो जो मृत शरीर है उसकी जो उसका जो चेहरा है वो छिन्न विच्छिन्न हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम आजकल पूरा आँख भी नहीं निकालते, सिर्फ सामने का कॉर्निया जो है वो निकालते हैं और उसकी जगह पर एक शेल रख देते हैं, जिससे आँख बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, आँख बंद करने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि डोनेशन हुआ है। तो ये भी एक डाउट जो है लोगों को मैं सुलझाना चाहता हूँ, जिससे आई डोनेशन हमारे देश में बढ़ना चाहिए। अगर हम हमारे देश की बात करें तो बाकी देशों में और भारत में तुलना करने के बाद पाया जाता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए कॉर्निया नहीं मिलता है, हमें कई छोटे देशों से कॉर्निया मंगाना पड़ता है जैसे कि श्रीलंका से, क्या एक वजह हो सकती है कि हम अभी भी दूसरे देश पर डिपेंड हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट? जी, हमारे देश में साल में 2 करोड़ लोग मृत होते हैं, और अभी वेटिंग लिस्ट पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड 20 लाख का वेटिंग लिस्ट है, जो कुछ भी नहीं है 2 करोड़ के तुलना में। अगर आप 10% भी लोग डोनेशन करेंगे अपने देश में तो वो 20 लाख का वेटिंग लिस्ट कवर हो जाएगा, लेकिन हमारे देश में ट्रांसप्लांट होते हैं 50,000 साल में, और साल में 2-2 लाख लोग और ऐड हो रहे हैं ब्लाइंड लिस्ट की वजह से, तो कोई तुलना ही नहीं है इसमें। तो इसके लिए हमको बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे श्रीलंका है, उसका मुख्य कारण है कि श्रीलंका का धर्म है बुद्धिज़्म,
से कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको आई डोनेशन करनी चाहिए। तो इस तरह से उनमें सीख है जिससे सारे लोग उनका पूरा देश डोनेट करता है। इनफैक्ट उनके लाइसेंस पे भी एक फॉर्म रहता है जिसमें वो लिख देते हैं कि हमको डोनेशन करना, तो उनको परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ये हो जाता है। तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ कानून बना सकते हैं कि जैसे लाइसेंस का गार्ड लाइसेंस बना है उसी टाइम उसको पूछ लो कि आप डोनेट करना चाहेंगे क्या, उसके बाद उसके रिलेटिव या किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे उसका डोनेशन कर सकते हैं अगर वो कानून में बैठता है। तो ये ऐसे कुछ रूल्स बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रचार प्रसार, जैसे आपका माध्यम है जो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा एक ये है कि आई डोनेशन फोर्टनाइट जो गवर्नमेंट ने बनाया 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक, जिसमें ये सारा चीज़ हम इसका हम प्रचार करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करके और थोड़ा अंधविश्वास जो हमने अभी 2 मिनट पहले बात की वो निकाल के, और अभी नई जो पीढ़ी है वो डेफिनेटली ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा समझदार है, तो ये डेफिनेटली ये समझेंगे कि आई डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट आई डोनेशन नहीं, सारा शरीर का अवयव डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे 7-8 लोगों का जीवन सुस्थिति में आ सकता है सिर्फ एक आदमी के डोनेशन से। एक आय सर्जन होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार के निधियों में कहाँ कमी है, सरकार का क्या रोल होना चाहिए कि हमारे देश में भी आय डोनेशन बहुत बड़े पैमाने पर? जी, सबसे पहले तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे देश में। ऑलरेडी विजन 2020 प्रोग्राम था जिसमें 2020 तक हम सारे कैटरेक्ट पेशेंट्स और सारे कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करने के लिए एम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि कोविड आ गया, 2 साल उसमें चले गए, बैकलॉग वापस बढ़ गया है। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, इलिटरेसी है अभी भी, काफ़ी लोग समझते नहीं है और अंधविश्वास है। तो इन सारे चीज़ों को सॉल्व करके अच्छे कानून बना के और थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे गवर्नमेंट, तो ये ज़्यादा हेल्थ का बजट बढ़ाना चाहिए जो हमारे देश में मेरे हिसाब से काफ़ी कम है कम्पेयर टू जितने लोग बीमार पड़ते हैं हमारे देश में। तो हेल्थ बजट बढ़ा के उनमें थोड़ा सा ये प्रचार प्रसार का एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना के और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके, और टीवी और रेडियो तो है ही अपने पास जिससे ये होता है, बट उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली एक देख के हम ये काम कर सकते हैं सब मिलके। और हमारे जो महाराष्ट्र ऑप्टोमिक सोसाइटी, ये हर ये इस पंद्रहवाड़े में बहुत ज़्यादा काम करती है, गांव गांव में जाके प्रचार प्रसार करती है, इससे ये अभी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है सिचुएशन। आपने सर जो देशवासी अभी आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन देशवासियों को आप नेत्रदान पकौड़ा पे क्या संदेश देना? जी, मेरा एक ही संदेश है कि नेत्रदान जरूर करें, नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ दान है, रक्तदान जैसे है वैसे नेत्रदान है। आप 2 मिनट के लिए आपकी आंखें बंद करके कोई भी काम करने की एक आप प्रयत्न करके देखिए सब लोग, आपको पता चलेगा कि आंखों का कितना महत्व है। जैसे आप 2 मिनट से ज़्यादा आंख बंद करके नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि इतने सारे काम आंखों के ऊपर निर्भर है। तो इस तरह से अगर आप नेत्रदान करेंगे तो आपकी आँखों से एक नया जीवन प्राप्त करेगा जिस आदमी को ये आँखें मिलेगी। और ये हमारे यहाँ सब टेक्नोलॉजी है, सर्जन्स है, सब लोग हैं जो ये सब कर सकते हैं। हमारा देश आई डिपार्टमेंट ऑप्थल्मोलॉजी में काफ़ी अग्रसर हुआ है, आज पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन है ऑप्थल्मोलॉजी में। सिर्फ लोगों की डोनेशन की कमी है, अगर वो अच्छे से करेंगे तो ये डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि ये प्रॉब्लम हमारे देश में सॉल्व हो जाएगा, हमारी उन्नति बहुत होगी और काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को रोज़गार नहीं मिलते जिनको दिखता है, तो अगर रोज़गार मिल जाता है तो ऑब्वियसली हमारे देश का जो है एक उन्नति के दिशा में हम चल सकेंगे। तो मेरा आपकी आपसे विनती है कि आई डोनेशन ज़रूर करें, आपके जाने के बाद ही करना है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और इससे मैं अपना विषय स्पेशलिटी आई क्लिनिक की बात करें तो नेत्र संबंधी बीमारियों के लिए किस किस प्रकार की फैसिलिटीज सरोज स्पेशलिटी आई क्लिनिक? जी, अभी एक्चुअली ये हमारा DOBS आई इंस्टीट्यूट है जो फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी में स्थित है, इसकी एक आउटरीच क्लिनिक है सरोज स्पेशलिटी आई क्लिनिक, और हमारे 2-3 और क्लिनिक्स हैं जहाँ पे हम ये DOBS आई इंस्टीट्यूट के आउटरीच क्लिनिक्स प्लान कर रहे हैं। तो इस ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है इसमें हमारी इंटरनेशनल नेशनल फैकल्टी सब है, सारे ट्रेंड सर्जन्स हैं,
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन लिया है। हम सारे सब स्पेशलिटीज कवर करते हैं, कॉर्निया, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, रेटिना, ऑर्बिट ओकुलोप्लास्टी, पीडियाट्रिक्स और इमरजेंसी आई सर्जरीज। मतलब कोई भी इमरजेंसी हो 24/7 हमारा डिपार्टमेंट चालू रहता है। जैसे कल रात को एक एसिड बर्न आए थे, उनको हमने ट्रीट करके आज शाम तक उनको दिखना वापस चालू हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, प्लस एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, जिसने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन जैसे सर्जरीज, या फिर जो केमिकल बर्न्स में हम ट्रीट करते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट, जिससे आंखें वापस नॉर्मल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवांस्ड चीज़ें जो मैं अभी एक साथ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, सब स्पेशलिटीज़ है। प्लस बाकी स्पेशलिटीज़ का सपोर्ट भी अपने पास है, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी। तो इस तरह से होलसम ट्रीटमेंट मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट में, और काफ़ी अच्छा नाम अभी तक हमने पाया है 10-15 साल में। सर, जो देशवासी भी आपको देख रहे हैं, आपको किसी भी गंभीर बीमारी से अगर वो ग्रसित है, कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, तो किस प्रकार वो व्यक्ति आपसे संपर्क कर सकता है? जी, हमारा जो नंबर है यहाँ पे क्लिनिक का है 2789855। आप उसमें ये बोल दीजिए सर कि आप हॉस्पिटल का नाम दे दीजिए, उसके बाद बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और बाकी डिटेल आपको नीचे दी सकते हैं। तो आप हमें हमारे हॉस्पिटल के लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नाम है हीरा नंदानी फोर्टिस हॉस्पिटल वाशी, उसमें हमारा डीओबीएस आई इंस्टीट्यूट आई डिपार्टमेंट है, और हमारा जो आउटरीच क्लिनिक है सरोज स्पेशलिटी आई क्लिनिक, उसका भी एक लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर है। ये सारी चीज़ें आपको नीचे दिखेगी, जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ संपर्क।